नमस्कार साथियों। साथियों देखिए, मैं आ गया हूँ अपने टेरेस गार्डन में, और टेरेस गार्डन में हमने क्या नया किया है ये मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए, हमने अपने टेरेस गार्डन में कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों से, जैसे ये माला है, ये देख रहे, प्लास्टिक की एक माला है, इससे हमने सजावट की है। ये मालाएं हमने कुछ टांग दी है, कुछ कागज़ की मालाएं टांगी हैं। देखिए, ये रंग बिरंगे कागज़ की, पीले, लाल, हरे, ऐसी मालाएं हमने टांगी हैं। तो साथियों, इसके पीछे कारण क्या है कि जब हम दिवाली आती है तो अपने घरों की सजावट करते हैं, इसमें नई नई चीज़ें करते हैं। तो इसके पीछे मुख्य जो कारण है, जो मुझे लगता है, वो ये है कि बरसात के बाद, बरसात का जो मौसम होता है ना, नमी भरा मौसम, उमस भरा मौसम रहता है, और उसमें घरों में गंदगी सी हो जाती है। हमारे गार्डन में यहाँ पे जब बरसात थी तो एकदम पूरा ख़राब सा हो गया था। फिर हमने रंगाई पुताई इसकी करवाई, तो देखिए अब कितना सुंदर लगने लगा। तो साथियों, सजावटी सामानों में हमने देखे कुछ ये फेस भी लगाए हैं, और ये फेस हमारे प्रतीक हैं। गांव में जो हमारे किसान भाई रहते हैं, बहनें रहती हैं उनके, ये तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दूसरा कारण ये भी है कि किसान के घर पे खरीफ की फसल, और मुख्य रूप से धान की फसल उसके घर आने वाली है, तो उसके लिए घर की, वो रखेंगे उसको, धान को, तो उसके लिए सफाई करते हैं घर की, कि वो अपने अनाज को भंडारित करेंगे। तो घर में उन जगहों को सफाई करते हैं जहाँ पे उसको, क्योंकि धान जो ना, अब ये फसलें उगाना, क्योंकि सिंचाई के साधन हो गए, बहुत संसाधन हमारे एग्रीकल्चर में हो गए, पहले नहीं थे। पहले पानी पूरा भाव में धान जो उगाना होता, बारिश के ऊपर निर्भर था। बारिश नहीं हुई तो धान भी पैदा नहीं हो पाता था। तो अब तो थोड़ा आसान हो गया, तो इसलिए उस समय ये साफ सफाई यूँ भी करते थे कि उनकी जो फसल आने वाली थी खरीफ की, घर के अंदर उसको रखने के लिए घर की सफाई करते थे। तीसरा, हमारा जो बरसात के बाद जो पहला त्यौहार, मुख्य त्यौहार आता है, वो होता है दिवाली का त्यौहार। तो दिवाली के त्यौहार पे हम पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की। और देखो, कोई भी हो, लक्ष्मी जी तो धन की, लक्ष्मी की देवी होती हैं, उनको साफ सफाई बहुत पसंद है। तो उनसे कुछ अपेक्षा है तो हमें घर की सफाई करनी पड़ेगी, तभी लक्ष्मी घर में आती हैं। तो तीसरा कारण ये हमारी लोक मान्यताओं में माना जाता है। तो इस तरह हम घर को झालरों से सफाई करते हैं पहले, फिर इसको सजाते हैं, रंगाई पुताई करते हैं घर की, क्योंकि नमी में ना दीवारों की, घर की, वो भी ख़राब हो जाती है। हम देखिए कंदील टांगते हैं घर के अंदर, अपने कंदील भी टांगते हैं। कंदील की परंपरा बहुत पुरानी है, इसका बस थोड़ा सा स्वरूप बदला है। कंदील क्यों टांगते हैं? कंदील को कहा जाता है कि घर में सबसे जो ऊंचा वाला स्थान होता है वहाँ पे कंदील को टांगा जाता है। जैसे देखिए, हमारा टेरेस गार्डन सबसे ऊपर है, तो हमने इसको अपने टेरेस गार्डन में लगा दिया है। तो इसके पीछे ये है कि जैसे पितृपक्ष होता है ना हमारे, उसमें पितृ आते हैं, उनकी परछाइयाँ ही मान लीजिए, उनकी परछाइयाँ आती हैं, उनकी परछाइयों को हम भोजन कराते हैं, तो वो पितृ इस समय जाते हैं। कहते हैं पहले वो अमावस्या को पितृ जाते थे वापस, तो उनको मसाल दिखाई जाती थी उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए उनको मसाल, और वो मसाल की परंपरा बदलते बदलते कंदील में हो गई। कंदील उड़ाए जाते भी हैं, आपने देखा होगा आसमान बिल्कुल भर जाता है इस अवसर पर, कंदील उड़ाए जाते हैं कि ये, क्योंकि हमारे पितरों का सम्मान है, तो पितरों का स्थान हमारे यहाँ पे सबसे ऊंचा है, तो कंदील को इसीलिए सबसे ऊपर टांगा जाता है, घर के सबसे ऊंचे स्थान पे टांगा जाता है। और हमें लगता है कि अभी भी हमारे पितृ परछाई स्वरूप हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है। इसलिए साथियों, ये चीज़ें हम अपने घर में करते हैं,
साफ सफाई करते हैं, कंदील टांगते हैं, रोशनी करते हैं और खुशियां मनाते हैं। तो यही कारण है जिसके कारण हम ये अपने सजावट और ये घरों में करते हैं। और हमने भी, हमने जैसे मैंने बताया, हम अपने गार्डन के ये जो पौधे हैं ना, इनके साथ मिलके हम हर त्यौहार को अपने टेरेस गार्डन में मनाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी खूबसूरत से वीडियो में। धन्यवाद।